नमस्कार, मेरे वर्गो राशि के मित्रों, स्वागत है अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी में और मैं लेके आया हूँ आपका राशिफल मंथ ऑफ जून के बारे में बात करूंगा। इससे पहले कि शुरू करूं, मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा भाई, फेसबुक पर मेरा एक लाइव शो आता है हर बुधवार 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से। अगर आप सीधा प्रश्न करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आस्क करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं और आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और अब मैं बात करूं अगर आपकी राशि की, तो मंथ ऑफ जून आप लोगों के लिए एक सक्सेसफुल मंथ जिसको कहें वो होगा, क्योंकि इस महीने में आपको वो सब मिलेगा जो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये महीना आपके लिए एक मेमोरेबल मंथ होने जा रहा है। सबसे पहले अगर हेल्थ की बात करूँ, तो निश्चित तौर पर हे फीवर, अगर आप उससे परेशान हैं तो थोड़ा सावधान रहें। अगर आपको माइग्रेन होता है तो उससे आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। अगर किसी तरह की जलन या स्किन की एलर्जी है तो आपको खास तौर पे ध्यान देना होगा। तो माइग्रेन, सरदर्द, एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं, जलन होती है शरीर में, और उसके साथ साथ आपको जो हे फीवर है या सीजनल प्रॉब्लम होती है, उससे सावधान रहना होगा। हाई टेम्परेचर से आपको बचना होगा, ये आपके लिए ज़रूरी सावधानी है। इसके अलावा हम बात करें, एक एक करके अगर मैं बात करूँ, तो धन की बात करूँ तो आपका सेकेंड हाउस यानी कि वीनस आपके लाभ स्थान में एंट्री करने वाले हैं। जब वीनस लाभ में आएंगे, हाउस ऑफ फाइनेंस के लॉर्ड होकर लाभ में जाकर बैठेंगे, तो निश्चित तौर पे कर्म स्थान से आगे बढ़ेंगे, तो ये लाभ यानी के फाइनेंशियल गेन। और उसके अलावा सूर्य और बुध यानी के शुक्र का ट्रांजिट होगा 8 तारीख को, और बुध का ट्रांजिट हो जाएगा 10 तारीख को, और उसके बाद सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा 15 तारीख को। वो अगली राशि में घूमते चले जाएंगे, यानी के राशि लॉर्ड मर्करी जो है वो हाउस ऑफ प्रोफेशन जिसके वो लॉर्ड है, सूर्य के साथ वहां निवास करेंगे, तो कारोबार में वृद्धि अनकंडीशनल जैसे हो जाता है, चीजें आपके पास आएंगे, और ये अब आपके हाथ में कि आपको उसको किस ओर फेंकना है। तो ये सक्सेस इन करियर दिखाता है, सक्सेस इन बिजनेस दिखाता है, और इनकम को बढ़ा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेस रन करते हैं, क्या करते हैं डजंट मैटर, लेकिन ये एक महीना ऐसा हो जाएगा जिसमें आमदन के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। नौकरी नहीं है तो निश्चित तौर पे इस बार आपको नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी जो है प्रमोशन नहीं हो पा रही है, तो मैं कहूँगा अगर आप वर्गो हैं तो ये महीना आपकी प्रमोशन के लिए एक बहुत बेहतरीन मंथ हो सकता है। ये महीना बैठ कर इंजॉय करने का नहीं, हार्ड वर्क करने का है, ताकि आप इनफ मनी बना पाए। ऐसा ना हो कि आप रिलैक्स हो जाएं, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है आप उनकी ओर ध्यान ना दें, फिर ये मौका शायद आपके पास ना रहे। इस चीज के लिए फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, इस चीज का आपने ध्यान देना है। धन और कारोबार बिजनेस की जो स्थितियां हैं, इनकम की जो स्थितियां हैं, वो बेहतरीन स्थितियां बनी हुई। वहीं अगर आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो चंद्र और शनि महीने की शुरुआत में आपके सुख स्थान प्रॉपर्टी के घर में बैठे हुए, तो ये दिखा रहे हैं कि निश्चित तौर पर आपका एक जो रुझान है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बड़ी गाड़ी ली जाए। अब बहुत होया इस पुरानी गाड़ी से, अब गाड़ी बदल लें। जी हाँ, बिल्कुल गाड़ी बदलने का एक अवसर है, इसको एंजॉय करें, शो ऑफ करने का समय है, बिल्कुल शो ऑफ करें, लेकिन साथ ही साथ सावधान रहें, सर पे कर्जा ना चढ़ाएं, क्योंकि कई बार जितनी आमदन होती है, जितनी इनकम होती है, उस हिसाब से हम बड़ी छलांग लगा लेते हैं, और ये समय कई बार बदलता रहता है, अक्सर कर बदलता है, तो इस चीज़ का आपको साथ में ध्यान रखना है। पैसा खर्चने से पैसा आने की संभावना इस बार बनी हुई है। अगर मैं वही संतान की बात करूं, मंगल और केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं 5th हाउस में, और मंगल और केतु का ये योग कहीं ना कहीं संतान को लेकर कुछ टेंशन जरूर दिखा रहा है, तो थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। ये टेंशन कहीं आप लोगों के लिए मुसीबत ना बन जाए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि बच्चों के साथ आर्गूमेंट हो सकता है, बच्चों की हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है, बच्चे थोड़े मिसबिहेवियर, उनका डिसओबीडियंट हो सकते हैं, थोड़े रूड हो सकते हैं आपके साथ, शायद ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि आपके बच्चे बेहतरीन बच्चे हैं, बहुत आगे तक जाने वाले बच्चे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन ना लें। अगर वहीं मैं आपके मैरिटल रिलेशनशिप की बात करूं, तो आपके 7th हाउस में पाइसस राशि है, और जुपिटर आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि एक घर दूसरे रिलेटिव के घर में बैठा हुआ है, तो ये शादी जैसे समागम में जाने की बात है, शादी से जुड़े हुए कारोबारों में आगे बढ़ने की बात है, और शादी के लिए आगे बढ़ने की बात है। तो शादी के लिए उत्तम समय, शादी वेडिंग को अटेंड करने का एक उत्तम समय, गेट टुगेदर का समय, तो कुल मिला के ये महीना आप लोगों के लिए एक बेहतरीन महीना साबित होता हुआ
दिख रहा है। तो मेरे पास ऐसा कोई भी बहाना नहीं है इस बार जिसमें मैं कहूं कि भाई आपको इस चीज़ से बचना होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। अगर आपकी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, आपकी राशि वर्गो है और आप कहते हैं कि भाई ये बकवास है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब यूं ही बातें कही जाती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी अपनी जन्म कुंडली जरूर मैटर करती है, या ये कहें कि बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपकी कोई दशा अंतरदशा ऐसी चल रही हो या ग्रहों की जो पोजीशन इस समय में है वो बिल्कुल ही आपकी कुंडली को सपोर्ट ना कर रही हो, तो आप निश्चित तौर पे फिर किसी क्राइसिस के थ्रू जा सकते हैं। उस समय आपको अपनी कुंडली को दिखा लेना ही सबसे लाभदायक हो सकता है। उसमें अगर कुछ कमियां हैं उसको सही रहते अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो आप इस समय का पूरा पूरा लाभ जो है ले सकते हैं। उपाय के रूप में ये कहूँगा कि अगर हो सकता है तो इस समय के दौरान अधिक से अधिक मेहनत करें, या ये कहें कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, यही सबसे बड़ा उपाय इस समय आप लोगों के लिए बन गया। तो अच्छी तरह से हर चीज़ को प्लान करके मेहनत करें तो जीत आपकी होगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। एक बार फिर से कहूँगा, मेरे साथ बात करना चाहे तो मेरा फेसबुक लाइव जो है उसको ज्वाइन इन करें मेरे साथ, हर बुधवार 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।